भाई आज है डे फोर, रमजान डे फोर। ये मामा ने मियो बॉल्स बनाई हैं, इनका फ्राई कर दिए। अच्छा, हम बना रहे हैं एक नया किस्म का जूस, जिसमें मैं सब चीज़ों से फ्री हो गई थी। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए। डे फर्स्ट था रमजान का और आज है डे थ्री रमजान, ओ सॉरी आज है डे फोर रमजान डे फोर। तीन रोज हमारे गुजर गए, तो मैंने कहा यार मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। तो अभी तो फिलहाल मैं उठ गई थी, उठ के नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी और अब मैं जा रही हूँ बाहर किचन की तरफ। थोड़ी बहुत जो मामा की हेल्प करनी होगी वो कराऊंगी, फिर थोड़ी देर मतलब अभी है टाइम रोज़ा खोलने में, फिर रोज़ा खुल जाएगा। यहाँ पे हो रही है मेयो बॉल्स की तैयारियाँ। अच्छा, हम बना रहे हैं एक नया किस्म का जूस, जिसमें अभी मैं डालूंगी दूध और ये नया किस्म का है। मैं मामा कह रही हूँ स्ट्रॉबेरीज डालो, ये स्ट्रॉबेरीज फ्रीज्ड हैं। इसमें मैं डालूँगी रूअफ़ज़ा भी और इसमें नहीं चीनी अभी डालती हूँ, इसमें चीनी भी डालूँगी फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये कोई नई रेसिपी है मामा की। बर्फ़ भी डालो, बर्फ़ भी डालूँगी और ये पीछे मैं इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैंने इधर ब्रेड क्रम्स बनाए थे, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं इसमें डालूंगी चीनी, फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। जूस हो गया रेडी, अब मैं इसको लाऊंगी टेबल पे। रख ये छोले भी रखो, रखती हूँ। ये मामा ने मियो बॉल्स बनाई हैं, इनका फ्राई कर दिए। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मामा का भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं वहाँ पर अपलोड करूँगी। हमारी मेयो बॉल्स रेडी हैं, मैं अपनी टेबल पे। प्याज वाले पकौड़े। तो गाइस, मैंने खाना मतलब इफ्तारी वगैरह सब कर ली थी, तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह हैं वो समेटती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज अरीबा भी आ रही है बाय द वे, अरीबा यहाँ पे रुकेगी और बस हम मज़े करेंगे। यस, सब चीज़ों से फ्री हो गई थी। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए और बाकी ये कि बस मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर में अरीबा भी आ जाएगी। अरीबा दादी के घर थी, तो दादी के घर जब वो यहाँ पे आ जाएगी, बाकी ये कि बस मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने आटा वगैरह गूंध लिया था, सहरी की तैयारी हो गई थी, मतलब तैयारी हुई थी, सहरी हुई नहीं थी। तो बाकी ये कि अरीबा भी आ गई है और अरीबा टाइम क्या हो रहा है? 1:26 रात का डेढ़ बज रहा है, सुबह का बेसिकली, सुबह का कह रहा है 12 बजे के बाद। तो और बाकी ये कि अभी मैं फ़िलहाल कमरे में बैठी हुई हूँ, अरीबा मेरे सामने बैठी है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वेट, अरीबा अरीबा कुछ कहना चाहेंगे आप? इतने दिनों बाद बच्चों से मिली हूँ, तो बहुत फॉर्मल से अरीबा को फॉर्मल से हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी आदत। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं पता नहीं यार कब से मैं कब से ये ऐसे बोल रही हो जैसे मैं पता नहीं कब से गई हुई थी। नहीं, ऐसा, हाँ ये तो है, मैं आई थिंक
मैं पूरा फैब थोड़ी रह के आई हूँ। कंट्रोल कंट्रोल सिक्सटीन डेज काउंट करो ना, 20 घंटे का नहीं वो भी ट्रेवल की वजह से 16 डेज लगे, वरना हम वहाँ पे जो रहे दो दिन आने के दो दिन जाने के। अभी मैं जा रही हूँ कमरे से बाहर क्योंकि मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख, अरीबा मुझे बहुत हम लोगों को बहुत शदीद भूख लग रही है, तो मैंने सोचा जो मेनोपॉज बची हुई थी जो बच गई थी ये हम फ्राई कर लेते हैं, मतलब मैं और अरीबा फ्राई करेंगे, मैं ही फ्राई करूँगी बेसिकली। और ये मेरी दादी ने कचौड़ियाँ बनाई थी तो ये कचौड़ी हम लोग फिलहाल खा रहे हैं, और बाकी ये कि अभी बस मैं ट्राई करूँगी। और अभी क्या टाइम हो रहा है अरीबा? टाइम ये हो रहा है ऊपर जिस टाइम पे हमारी दादी बना रही थी ना, हाँ। मेरा रोज़ा था, हाँ इतनी शिद्दत से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस खा लूँ, तो बस अभी हम लोग खाते हैं फिर थोड़ा सा मैं ना रमज़ान के प्लेस भी देख रही हूँ, दो प्लेस देख रही हूँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बस ये इसके साथ साथ हम लोग खाएँगे और खाते के साथ साथ हम लोग वो ड्रामा देखेंगे। और बस यही आज का थोड़ा बहुत था जो मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो जाएगा, तो फिर बस फिर मैं बाहर आऊँगी, मामाओं की हेल्प वगैरह कराऊँगी और बस वही फिर चलता रहेगा। ऐसे अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में करिएगा और बेल आइकन को लास्ट में दबाइएगा और वेट करेगा मेरे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हाफिज़।